अध्याय 4। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युओदिया को भी समझाता हूं और सुंतुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझ से भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीही यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझमें देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इस प्रकार का विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकी दुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वो तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीही यीशु में है, तुम्हारी हर एक खटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे।